माइनक्राफ्ट, लेकिन अब की बार चेस्ट बहुत खतरनाक होने वाली है क्योंकि उसमें बहुत ही लेजेंडरी लूट होने वाली है। भाई मैं विश्वास नहीं कर सकता उसमें इतनी खतरनाक लूट होने वाली है। उसमें टोटम ऑफ अनटाइम से लेकर गॉड एप्पल यानी इंजेंटेड एप्पल, फुल नेदराइट आर्मर और इलेक्ट्रो जैसी चीजें हो सकती है। और देखते हैं भाई क्या हम लोग एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं कि नहीं। और हमारा स्पॉन देख के भाई मेरे को तो नहीं लगता यहाँ आसपास कुछ होने वाला है। भाई मैं इस साइड नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को विलेज होने के चांसेस भी नहीं मिल सकते। इस साइड ही इस साइड चल रहा है क्योंकि हम लोग को डेजर्ट पिरामिड और विलेज मिलने के चांसेस भी, हम लोग को विलेज मिल भी गया। कम ऑन मैन, मेरा लक अच्छा है भाई। भाई मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरा लक हर वीडियो में काम कर जाता है। लेकिन देखते हैं इस वीडियो में लक काम करता है नहीं, क्योंकि देखो ये लंबे वाले खंभों में क्या कहते हैं चेस्ट तो होता ही है। देखते हैं और घरों में भी चेस्ट मिलता है क्योंकि नहीं। देखते हैं भाई हार्डकोर में भी ना तो मरना भी नहीं चाहेगा। ओह इलाइट्रा मिल गया, यस मैन टोटम ऑफ अनटाइम मिल गया। जो सामान हम लोग को नहीं चाहिए वो हम लोग फेंक देंगे। जैसे हम लोग को इतनी सारी क्रॉसबोस नहीं चाहिए भैया, आई ऑफ एंडर चाहिए, गोल्ड भी नहीं चाहिए क्योंकि आई ऑफ एंडर हम लोग मिल चुकी है तो ब्लेस पाउडर कोई काम नहीं। एंड एप्पल दो स्टैक रख लेते हैं, एरोज भी रख लेते हैं क्योंकि अब क्रॉसबो में इन्फिनिटी तो लगा नहीं हुआ। चलो ये भी रख के देख लेते हैं क्रॉसबो, देखते हैं। अब इस वाले खंभे में भी भाई हो सकता है, एक बेड भी रख लेते हैं। चलो और टॉर्च मेरे पास हाथ में कहाँ पे आ गई, चलो ऊपर देखते हैं। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चेस्ट में क्या होने वाला है। और ज्यादा कुछ अच्छा सामान नहीं है, एक एक्स है यहाँ पे, एक्स ले लेते हैं। भाई वो खाने का तो सामान उनको अभी तक मिला ही नहीं यार, खाने का सामान भी उनको चाहिए। स्पीड माइनिंग भी रख लेते हैं, एरोस भी और रख लेते हैं और शवल भी एक रख लेते हैं। चलो भाई इतना सामान है तो ठीक है। एंचेंटेड वो एक्सपी वाला उनको बॉटल नहीं चाहिए, वो सब छोड़ो। आर्मर तो अभी तक उन लोग को मिला ही नहीं भाई, यार ये क्या बात होती है। आर्मर नहीं मिलेगा तो सब मर जाएंगे ना। खाना भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये तो वो खतरनाक चल रहा है भाई। बहुत गंदे सिचुएशन में हम लोग आ चुके हैं भाई। हमको क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए, यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर चलते हैं देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। और राइट कम ऑन, यहाँ पे सॉर्ड मिली है क्योंकि सॉर्ड भी अच्छी बात है। और हम लोग को यहाँ पे गोल्डन एप्पल्स मिले, गोल्डन एप्पल्स और इतना ठीक है आई थिंक। गोल्डन एप्पल ये कहाँ रखूँ मैं अब। और ये और हम लोग को मिल गया 16, तो ये और ले लेते हैं। थोड़ा हम लोग को प्रोटेक्शन भी मिल गई है तो हम लोग आर्मर वार्मर पहन लेते हैं। और आई थिंक ज्यादा यहाँ पे कुछ काम का चीज नहीं। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ मिला है, ओके स्ट्रेंथ रख लेते हैं। और आई थिंक यहाँ पे कुछ भी हमारे काम का नहीं है। और वो सब चलो हटो यहाँ से, चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड रुको, हम लोग थोड़े बहुत ब्लॉक्स भी रख लेने चाहिए, पता है ब्लॉक्स भी थोड़े काम आ सकते हैं। आयरन से बहुत ज़्यादा बेसिक सा सामान भी बन सकता है, लेकिन अभी हम लोग को बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग को वो मिल जाता है आर्मर तो बहुत अच्छी बात है। हेलमेट मिल गया, होए ओके एडवांसमेंट कम्प्लीट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और खाने का सामान तो है नहीं भाई, मेरे को लगा गोल्डन इंजेंटेड एप्पल मिलेगा लेकिन नहीं मिला। और राइट और ब्लॉक्स हम थोड़े ले लेते हैं। वाटर बकेट, ओके वाटर बकेट प्रो लोगों को बहुत जरूरत होती है। और आई थिंक सो मेरे को नहीं लगता चेस्ट रखी होगी, ये ले लेते हैं। और चलो चलते हैं हम लोग कहाँ कहीं जा सकते हैं। और राइट चलो चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अभी हम लोग को तो पूरा लूट हम लोग का इस कम्प्लीट नहीं हुई, हम लोग थोड़ा चलते हैं। और मैंने अभी सोचा कि बैडलैंड्स में हम लोग को वो भी तो मिल सकता है ना, क्या कहते हैं उसको, माइंड शार्प भी हम लोग लेस देख सकते हैं अगर हम लोग को मिल जाए तो। ओके हम लोग को बहुत प्यारी चीज मिली है, इसी की तो तलाश थी हम लोग को। इसके अंदर चार चार चेस्ट मिल सकती है मैन, और इसके अंदर कुछ सामान खराब ना हो। और इसको तोड़ देते हैं, ये बहुत गंदी चीज है। और ऊपर ब्लॉक कर दूं कि ना करूं, छोड़ो अभी उसे कोई आएगा नहीं। देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है। गोल्डन इंजेंटेड एप्पल, गोल्डन एप्पल भाड़ में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब रख लेता हूँ भाई। अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चाहिए भाई, मुझे आर्मर चाहिए यार, आर्मर बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्मर नहीं मिला तो भाई हम लोग तो जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी। ओके चेस्ट प्लेट मिल गई, बूट्स भी मिल गए, यस चलो बहुत अच्छी बात। मेरे को आर्मर ही चाहिए था। और थोड़े बहुत ब्लॉक्स और रख लेते हैं, फालतू का सामान हटा देते हैं, और कुछ तो नहीं है। चलो चलते हैं, अब बहुत छानबीन ली कर ली हम लोग ने, और निकलते हैं यहाँ से हम लोग। देखते हैं अब स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना कहाँ पर है। पहले रात भी हो गई है, सो जाते हैं पहले, वरना भाई ज़ॉम्बी से हमें दिमाग खराब कर देगा। हाँ तो मैं बोल रहा था इतने पावरफुल आर्मर से हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ज़ॉम्बी तो क्या एंडर ड्रैगन भी नहीं कर सकता है। चलो फटाफट चलते हैं। अब ये मत बताना कि यहाँ पे तारिका में मेरे को सब सामान ढूंढना पड़ेगा।
यार टाइगर वाइगर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब। ले भैया सब टूट रहा है मेरा। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना भी बहुत इरिटेटिंग काम है भाई। कहाँ से मैं खोदना स्टार्ट करूँ? यहीं से स्टार्ट करते चलो। रुको रुको, पहले हम लोग ऊपर से ब्लॉक कर देते हैं। भाई एमराल्ड ब्लॉक से ब्लॉक करेगा ना अमीरी है। वैसे कुछ दिख भी नहीं रहा। हटो भाई चलो, थोड़ा बहुत तो दिखेगा। ऐसे मैं नहीं करूँगा, थोड़ा ऐसे करना चाहूँगा मैं माइनिंग। अरे हाँ ऐसे करूँगा मैं थोड़ी माइनिंग, तो मैं ज़्यादा गिरूँ ना एक केव में ना गिर जाऊँ, वरना भाई ख़त्म कर देंगे मेरे को ज़ॉम्बीज। व्हाट द हेल मैन, ये कैसी आवाज़ आ रही मेरे को? ब्रो ये आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी है माइनक्राफ्ट में। ये धक धक भग भग वाली आवाज़ मैंने नहीं सुनी। सिल्वर फिश, अच्छा बेटा सिल्वर फिश यहाँ से कर रही थी काम अपना। लेकिन गाइस मेरे को एक चीज डर लग रहा, लेकिन जो वो धक धक आवाज थी उसका क्या हुआ भाई? वो क्या होता है? नहीं वो था क्या वो धक धक आवाज? अगर गाइस आप लोग को पता तो मेरे कमेंट में बता रहे हो, बहुत डर लग रहा है मैं भाई जा रहा हूँ। मेरे को रहना ही नहीं भाई इस वर्ल्ड में। माइनक्राफ्ट में पता नहीं क्या होता भाई, मेरे को लिटरली इतना माइनक्राफ्ट में खेला लेकिन मुझे धक धक वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं आई है। तो भाई चलो फालतू झड़ा, मैं फालतू में सब सामान हटा देता हूँ जो भी बेकार है, ये सब हटा देता हूँ मैं। पोशंस पी लेता हूँ। ओके पोशंस पी लेता हूँ मैं। हाथ में टोटम ऑफ अंडाई रखते हैं, पोशंस ऑफ रीजनरेशन पी लेता हूँ एक, और पोशन ऑफ स्विफ्टनेस भी पी लेता हूँ एक। ओए ओए ये क्या वो तो मैन, ये सब क्या होता है इतना खतरनाक मेरे पास? ब्रो इतनी तेज स्पीड भाई मैन, ये मैंने स्विफ्टनेस पिया है। ओके स्पीड तेज नहीं किया है, तो मैं जरा मारता हूँ इसको एक बार, देखते हैं कितना डैमेज पड़ेगा इसको। डैमेज तो अच्छा खासा पड़ रहा है, मैं इसको ऐसे ही मार सकता हूँ। लेकिन गाइस मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है, मेरे को ये ट्राई करना, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। एक सेकंड रुको, मैं एक बार मुझे पहले वो सब तोड़ देता हूँ क्रिस्टल, वरना वो मेरा दिमाग ख़राब करेंगे भाई। ये बहुत गंदा लग रहा है मेरे को ये स्विफ्टनेस वाला पोर्शन। मैं इसको ऐसे ही तोड़ सकता हूँ और इसको ऐसे ही मैं मार सकता हूँ, लेकिन क्रिस्टल से एक बार तोड़ देते क्योंकि फिर ये रीजनरेट मतलब अपनी हेल्थ ही बार बार रीजनरेट कर लेता है ना। ओके मैम डैमेज नहीं पड़ रहा है ना, वरना अब तक तो मैं मर गया होता था। खतरनाक मेरे को ये एंड स्टोन डैमेज दे रहा है। ओके ये ऐसे करता हूँ मैं। ऑलराइट अब ड्रैगन तो बचेगा नहीं मुझसे, कहाँ गया ये बंदा? आ जा लड़ते हैं अच्छे वाले। मेरे को क्रॉसबो निकालने को एक बार फिर क्रॉसबो ट्राई करनी है। एक बार तू नीचे आ बेटा, जरा नीचे बेटा तू आ जा, मैं दिखा दूँ तेरे को। ये देखो गाइस कितना खतरनाक डैमेज देती है मेरा क्रॉसबो। आया आया बचेगा नहीं अब ये। वाह ये देखो तो खतरनाक डैमेज पड़ रहा है इसको। जा बेटा जा, अबे भाग गया शिट। ओहो वो क्रॉसबो से मारना पड़ेगा उसको भाई। क्रॉसबो बहुत अच्छी लगी मेरे को, लेकिन एरोज भी अच्छी खासी जा रही है। और एक लास्ट शॉट, अरे नहीं हुआ वो, ये लास्ट शॉट है, लास्ट शॉट। ये जीत गए गाइस हम लोग ये पेपर में भाई। चैलेंज ना कंप्लीट हो चुका है फाइनली। बहुत बढ़िया चैलेंज था भाई, मजा आ गया मेरे को बिल्कुल। और ये देखो पता नहीं ये लोग मुझसे जी मुझे मार नहीं सकते, लेकिन ये लोग ट्राई बहुत करते हैं मेरे को मारने के लिए। अरे एरोस की बारिश हो रही है मैम। चलो तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।